ये वाला हम भी नहीं देखा था। ये है आखिरी पूरी इस साल का। ये रही मेरी मुन्नी। हाय रब्बा, बहुत दिक्कत हो गया, उसका हैंडल टूट गया है। तो आज 31 दिसंबर है, 2021 का लास्ट डे। कल है न्यू ईयर, 1 जनवरी 2022। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज का वीडियो न्यू ईयर में जाने वाला है, इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर मैं विश कर दे रही हूँ। फिर कल तो फिर मैं करूँगी। और आज सब्जी में बनाने वाली हूँ। ये है मटर और इधर आलू बॉईल हो गया है, जिसको मुझे छीलना है। आलू मटर का सब्जी बनने वाला है और साथ में पूरी। अब देखते हैं मुस्कान को पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है। मुस्कान को वैसे पूरी बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी उसका खाने का जो नाटक होता है ना, वो चलता ही रहता है। और बच्चों की तरह नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ पूरी बनाया, कुछ पसंद का बनाया तो बहुत 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 ज्यादा खाने वाला नहीं है। उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, दो चार पूरी मुश्किल से खाएगी। और मन्नू के साथ ऐसा कुछ नहीं है, मन्नू तो कुछ भी खा लेता है, प्यारा सा बच्चा है। कुछ भी दे देती हूँ, बहुत प्यार से खा लेता है, उसके साथ कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो मुझे अभी मसाला तैयार करना है, लहसुन प्याज छिलना है, मसाला वगैरह तैयार करना है, फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। और आप जैसे देखे मेरे पास छोटा 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 आलू है, जो मैं मार्केट से लेकर के आई थी, वही आलू मैं बोल की मटर के साथ, मटर भी गोल गोल और आलू भी गोल गोल। कपड़ा काटने के लिए मैं आई हूँ छत में, और मुस्कान यहाँ बैठी है। मुस्कान को बोली थी मैं तेल लगाने के, लगा ली मुस्कान तेल। मुस्कान का मस्ती है ना, मुस्कान छुट्टी है। ओहो कितना मस्ती है। वाह, खाएंगे पियेंगे और सुतेंगे, और पढ़ाई नहीं करेगी, छुट्टी है, खाजी को पढ़ेगी। अरे बाप रे बाप। तेल गर्म हो गया, इसमें तेज पत्ता डालना है, फिर ये गोल गोल आलू फ्राई करना है। इसमें मुस्कान आ गई है, मुस्कान के लिए फ्री मंगाना होगा ना। खाएंगे बोल रही है, कितना खाएगी पता नहीं। प्याज चाहती है जब खाना बनाती मैं, तो उसके बाद जब खाना मैं रखती हूँ तो फिर पता चलता है असलियत। इधर आलू को फ्राई करना है, थोड़ा अच्छा से फ्राई करना है, क्योंकि गोल गोल आलू मतलब इसको पीस पीस मैं नहीं की हूँ, क्योंकि छोटा छोटा है खुद ही, तो क्या पीस पीस करूंगी। इसको फ्राई कर रही हूँ। इसका खाएगी ना आज, तो मसान खाने वाली है, खाएगी क्योंकि खुद मेहनत कर रही है ना मसान। इधर मटर मसाला है, जो भी बेसिक मसाला जो मैं रोज डेली डालती हूँ, ये लहसुन प्याज टमाटर और गरम मसाला, इसको मैं पीस ली हूँ थोड़ा सा भून करके। आलू भुन गया है, अब मटर डाल के थोड़ा सा फ्राई करूंगी। इस आलू को छीलने में मुझे आधा घंटा से ऊपर लग गया। नमक हल्दी मसाला, मसाला भुनने के बाद जो मैं पेस्ट बनाई थी वो भी मैं डाल ली हूँ, वो तो पहले से ही भुना हुआ था, इसीलिए अब इसमें सिर्फ पानी डालना है। अगर ग्रेवी रखना है तो ग्रेवी के हिसाब से, और सूखा रखना है तो सूखा के हिसाब से। अब शुरू करते हैं पूरी बनाना, क्योंकि मुस्कान आटा लेके गई है, गूंद कर मैं रखी थी। मैं पूरी को थोड़ा सा मसल करके और उसको छोटा छोटा गोल करने के लिए, मेरे दोनों बच्चा रखा हुआ है भाई। अरे बाप रे बाप, मेरे दोनों बच्चा लग रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, ये क्या बना रही है मुस्कान? खेला कर रही है, सुबह क्या करेंगे हम? फटाफट फटाफट करो ताकि जल्दी हो जाए, हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना मेहनत करा तेरा मसल बन जाएगा। ये है आखिरी पूरी इस साल का, मतलब 2021 का। अब 2022 में पूरी बनेगा फिर से। इधर सब्जी हो गया तैयार, कितना यमी दिख रहा है। इधर मन्नू पूरी तल्ले में लगा हुआ है, तेरा मेरा प्यारा बच्चा पूरी तल रहा है, क्योंकि भूख लगा है इन लोगों को बहुत ज्यादा। भूख लगा है इसीलिए बोला कि मैं पेट में चूहा दौड़ रहा है। तेरा पेट में कुत्ता दौड़ रहा है? चूहा रहे। ओ, अभी चूहा ही ना, कुत्ता नहीं ना बना है। आज मुस्कान छत में आके बाल धो रही है। धोई है ठीक से? दो बाल धोया, चिकन चिकन हो जाएगा। अब मनु को दिखाते हैं ना, मनु कितना प्यारा लग रहा है। तेरा बेटा तो प्यारा दिखता है, तेरी बेटी ना दिखती है। दिखती है दिखती है। ये रहा, ये रही मेरी मुन्नी। हाय रब्बा, कितना शर्मा रही है, कितना शर्मा रही है, मेरा नाइटी पहन के बैठी है। धूप से बचने के लिए मेरा नाइटी लेके पानी छिटका रही है। तुम अभी पानी नहीं छिटका रही, तभी साबुन का ऐसे ऐसे कर रही थी। अच्छा। नहीं दिखा था आपको ना? मासी हो रहा है नाना छोड़ के, स्वाहा स्वाहा कर रही है। शाम के लिए लकड़ी काट के रख दिए हैं और कोयला भी फोड़ के रख दिए। ये लोग इतना हल्ला कर रहा है, घर में चिल्ला चिल्ली काहे कर रहा है तुम लोग? गेम खेल रहा दो, कितना साउंड आ रहा है इसका गेम का, आ रहा ना। तो हैप्पी न्यू ईयर विश करो। हैप्पी न्यू ईयर आज नहीं है तो कल है ना? आज ओह हैप्पी
हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ब्लॉग तो कल ही जाएगा ना। हम लोग तैयारी कर रहे हैं मार्केट जाने का, क्योंकि फ्रूट खत्म हो गया है, कल 1 तारीख है, तो उसके लिए भी कुछ कुछ सामान लेना है। अंशु आया था, अंशु चला गया है, बस अभी तुरंत निकला अंशु। अगले हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं, मुस्कान चली गई है, फूल देख पता नहीं क्या देख रही है। ये वाला अच्छा लग रहा है ना, अच्छा तो सब फूल लग रहा है। इधर भी है, तो कब का ही लगाने का सोचे थे, लेकिन अभी तक नहीं लगाए हैं ना, क्योंकि मिट्टी का कमी है। ये वाला व्हाइट वाला बहुत सुंदर लग रहा है। मन्नू को ये वाला फूल का दाम पूछने के लिए भेजे हैं अभी। कितना? 120 और दाम है, बहुत महंगा है। चलते हैं अभी सब्जी खरीदने के लिए। मटर कैसे? 40 रुपये। दाना ठीक है? दाना तो एक नंबर। हम लोग बाजार से आ गए हैं और आते आते मुझे छींक होना शुरू हो गया, ठंडा लग गया। इतना ज्यादा ठंडा है ना बाहर में। मुस्कान यहाँ पे खा रही है, पता नहीं क्या है, फर्स्ट टाइम खा रही है वो टाटा। खाने में बहुत अच्छा लगा, एक खा हमने। पोटैटो लेके आई है मुसन, अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा मुसन पोटैटो? बहुत अच्छा। अच्छा हम आज तक नहीं देखे थे, लेकिन ये वाला हम भी नहीं देखे थे। कहाँ से देखी थी तुम? शॉर्ट्स देख के। अच्छा शॉर्ट्स में वो बता रही थी ना कि हम लोग गए थे पिछले बार देखे थे, मुसन तभी बोली थी भैया खाए दो, तो हम नहीं खाए दो उस टाइम। मुसन बोल भी रही थी भैया जल्दी ऑटो स्टॉक हो जाता, लेकिन हम तो वहाँ पे एक पीस नहीं हिला दिखे। बहुत कंजूस है, एक बार में कोई चीज नहीं करता है, जब तक मुस्कान 4-5 पन्ने बोले की नहीं लेता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। चूल्हा लेके चलते है, आग जलाएंगे। यहाँ सब्जी भी ला के रख ली, इसको भी धोना है। अब सब्जी बाद में धोएंगे, पहले खाना बनाएंगे, क्योंकि मन्नू को भूख लग रहा है। चूल्हा में ताव हो गया है, अब इसको लेके चलते हैं। मन्नू आ गया चूल्हा ले जाने के लिए। ठीक से लेना, ठीक से लेना, बहुत दिक्कत हो गया, उसका हैंडल टूट गया है, तो दूर से इसका हैंडल टूट गया, बहुत दिक्कत हो गया। आराम से रखो, आराम से। अभी तक मैं वीडियो नहीं डाली हूँ कि कोयला कैसे आया है, तो वो वाला वीडियो, कोयला वाला वीडियो कैसे आया वो वाला आपको बाद में मिलेगा। हम लोग का वीडियो ऐसे भी 1-2 दिन आगे चलता है, लेकिन अभी न्यू ईयर और वीडियो डालना है, इसीलिए पहले मैं ये वाला डाल रही हूँ। कोयला कैसे आया वो आपको बाद वाले ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि न्यू ईयर वाला वीडियो 2-3 दिन बाद जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। न्यू ईयर वाला वीडियो पहले जाएगा, कोयला वाला बाद में जाएगा। तो ये मत कहिएगा कि कोयला तो इसका बाद में आया था, चूल्हा पहले कैसे जल गया है ना। चूल्हा भी जल गया, आपको कोयला का वीडियो, कोयला वाला वीडियो भी मिल जाएगा। और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि अगले साल मिलती हूँ 2022 में।